लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे मुझे संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसी कारण मैंने जल समाधि लेकर इस संसार को त्यागने का निर्णय ले लिया है। मैं एक असफल पिता, एक अयोग्य अभिभावक सिद्ध हुआ हूं। अपनी ही पुत्री को यह ज्ञान नहीं दे सका। मुझे शास्त्री कहलाने का कोई अधिकार नहीं। जमुना जी में जल समाधि लेवे का निर्णय क्यों है? मैं तोरे आगे चोली फैलाए रही हूं। मुल्लला का जीवन मोको पीको में देते जाओ राधिका, अपने पिता को बचाओ। जाओ। विहाय नमानि ग्रहाति नरोपराणि तथा शरीराणि व्याय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देही। शास्त्री जी, शास्त्री जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने परिवार को छोड़कर ये संसार नहीं त्याग सकते। अरे जरा इसे देखिए, क्या यही दिन दिखाने के लिए आपने देवकी जी से विवाह किया था? मैंने सारे दायित्वों से मुक्त होकर इस संसार छोड़ने का निर्णय लिया है। मैंने अब तक अपने पति धर्म का पालन और कर्तव्यों का निर्वाह पूरी निष्ठा से किया है और देवकी जी के आने वाले जीवन के लिए भी मैं व्यवस्था करके जा रहा हूँ। फिर पैसों की व्यवस्था करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मुझसे पूछिए शास्त्री जी, पति के बिना एक पत्नी का जीवन कितना कठिन होता मैं जानती हूँ। मैं अमृत का वरदान लेकर नहीं आया हूँ समधन जी। इस नश्वर शरीर को तो एक न एक दिन इस काया से मुक्त होना ही है। यदि प्रभु ने मेरे निर्वाण के लिए आज ही का दिन निश्चित किया है कोई क्या कर सकता।
कीजिए जी, घर चलिए ना, घर चलिए जी, घर चलिए। कृपा करके मुझे शांति से पाठ करने दें, मुझे समझाने की अथवा रोकने की चेष्टा। इस अर्धहीन जीवन को समाप्त करने से ही मुझे मोक्ष मिल सकता है। जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे कारण आपको इतना लज्जित होना पड़ा। मेरे उत्तरदायित्व उचित प्रकार से ना निभाने के कारण आपके परिवार को एक अच्छी बहू से वंचित होना पड़ा। हो सके तो मुझे क्षमा कीजिए। शास्त्री जी, ऐसा कदम मत उठाइए, मान जाइए। मैं क्षमा प्रार्थी हुआ जी। लला तू इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? लला तू को अपनी माँ पर तनिक भी दया ना आवे लला। इस बेटे से अपने दायित्व निभाने में यदि कोई कमी रह गई हो अम्मा तो मुझे क्षमा कीजिएगा।
मैंने सदैव ये चेष्टा की कि मैं एक अच्छा पुत्र बनकर दिखाऊं, फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अम्मा, आपका उपकार मैं कई जन्मों तक नहीं उतार पाऊंगा, सदैव आपका ऋणी रहूंगा, मुझे क्षमा कीजिए। राधिका, राधिका उठो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनोहरि। क्या हुआ राधिका, तुम यहाँ क्यों हो? वो भी ऐसी हालत में, आश्रम से बाहर, क्या हुआ? मेरे 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 बाबूजी को बचा लीजिए। बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी को? वो अपनी जान देने जा रहे हैं। मैंने जल समाधि लेने का निर्णय ले लिया। वो जो मंदिर के पास घाट है ना, वो वहीं समाधि लेने जा रहे हैं। चलिए ना, हमारे पास समय नहीं है, उन्हें बचाना है, चलिए। और राधिका, कार में बैठो। मत रोइए देवकी जी, आपको इस प्रकार अश्रु बहाकर मुझे शिथिल करने की अपेक्षा मुझे शक्ति देनी है। इस लोक से परलोक की महायात्रा करने के लिए मुझे स्वयं को कठोर बनाना ही होगा। मैं अपनी बात आपको समझा चुका हूं,
मैं कोई भी अनुचित कार्य नहीं कर रहा हूं। फिर भी यदि मुझसे कुछ अनुचित हो गया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। नहीं जाने दे सकते जी। हम लोगों को छोड़ के मत जाइए जी। मैं नहीं रुक सकता देवकी जी, मेरी स्थिति समझने की चेष्टा कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा और हमारी पुत्री राधिका का भी ध्यान रखिएगा। उससे कहिएगा कि उसके बाबूजी संसार के सारे दायित्वों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो गए हैं। उसे ये भी कहिएगा कि मैंने उसके साथ जो जो भी अन्याय होने दिए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उससे कहिएगा कि मुझे उस पर गर्व था, गर्व है और अंतिम सांस तक रहेगा। तुम चिंता मत करो राधिका, हम समय पर पहुंच जाएंगे। कान्हा, मेरे बाबूजी की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना। मुझे जाने दीजिए देवकी जी, मुझे रोकने की चेष्टा ना करें। कृपा करके इसे मेरी अंतिम इच्छा समझकर ही इसका मान रखें। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मुझे तुमसे विदा लेने का अवसर तो मिल गया। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए बाबूजी,
मुझे, रुक जाइए ना। राधिका, मैंने सदा समाज के नियमों से भयभीत होकर तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से वंचित रखा, तुम्हारा अपमान होने दिया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ बेटा। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है बाबूजी, कृपया करके बाहर आ जाइए। बेटा, मैंने बहुत सोच समझकर ही संसार को त्यागने का निर्णय लिया है। मैं अपने समस्त दायित्वों से मुक्त हो चुका हूँ और इसी कारण ये संसार को त्याग रहा। नहीं बाबूजी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपके जाने के बाद वहाँ का क्या होगा बाबूजी? ईश्वर बड़ा दयालु है। मैं तुम्हारी माँ को भूमि के सहारे छोड़ना चाहता हूँ। जिस बेटी का मैंने उचित लालन पोषण नहीं किया, जिसका अभिभावक बनने में मैं असफल रहा हूँ, जिसने मुझे समाज में लज्जित किया, अपमानित किया, उस बेटी का तर्पण मैंने कर दिया। अब इसके पश्चात मेरे पास जीवित रहने का कोई भी कारण शेष नहीं। और मैं? आप सिर्फ विशाखा के बारे में सोच रहे हैं बाबूजी? मेरे प्रति आपके कोई दायित्व नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है बाबूजी। तुमने तो अपना जीवन काना के चरणों में समर्पित कर दिया है बेटा। दीक्षा लेकर आश्रम की सेविका बन गई हो। तुम्हारे प्रति जो मेरे दायित्व थे, उन्हें मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। नहीं बाबूजी, मैंने आश्रम छोड़।